कल आप लोगों ने श्रवण किया था, राजा परीक्षित को सांप लगा, क्योंकि राजा ने कलयुग को रहने के लिए कुछ जगह दी। वो चार जगह कौन सी थी? दूतम, पानम, स्त्रिया, सूना, यत्रा धर्मस चतुर्विदः। चार जगह हैं। द्यूत, जुआ। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में कलयुग ना आए, तो इन चार चीजों से बच के रहो। जुआ मत खेलो, पानम मदिरा पान मत करो, स्त्रिया वैश्यागवन मत करो, हिंसा। घर में जो 24 घंटे कलेश होता रहता है ना, ये कलयुग की निशानी है। आप देखेंगे घरों में इतना बुरा हाल है कि अगर तीन आदमी, तीन प्राणी, चार नहीं तीन प्राणी भी घर में रहते तो चैन से नहीं रहेंगे। एक का मुंह पूरब की तरफ तना है, एक का मुंह पश्चिम की ओर तना है, और उत्तर दक्षिण तो दोनों घूमे ही पड़े हैं महाराज। घर में तीन चार प्राणी हैं, फिर भी शांति नहीं है घर में। ये किसका प्रकोप है? ये कलयुग का प्रकोप है। हिंसा है ना, स्वभाव के हिंसक बन गया हमारा मन, हिंसक बना हुआ है। और हिंसक मन पे कंट्रोल पाने के लिए भगवान का भजन कंपलसरी है। आप सब तो यही चाहते हैं हमारा घर सत्य को बन जाए, आप तो सब यही चाहते हैं हमारा घर हरि का मंदिर बन जाए। सुबह सुबह उठ के आप घंटरिया भी बजाते, आरती भी चला करते ठाकुर जी की, हैं, स्नान ध्यान भी कराते, पूजा पाठ भी करते हैं, पर इतना हिंसक स्वभाव क्यों है हमारा? क्योंकि हमारे घर में कलयुग बैठा हुआ है। घर वाले पी के आ जाते हैं, मदिरा पान करते हैं, हमारा आहार अशुद्ध है, जा हिंसा। अब घरों में ही लोग, पहले तो फिर भी ये कहते थे हम तो बाहर खाते हैं, अब तो घर में ही बनाते हैं। जब आपका आहार अशुद्ध हो जाएगा तो कलयुग घर में वास नहीं करेगा, करेगा कि नहीं? इसलिए इन चार चीजों से बच के रहो, अगर चाहते हो कलयुग तुम्हारे घर में प्रवेश ना करे। अगर चाहते हो कि कलयुग तुम्हारे घर में प्रवेश न करे तो इन चार चीजों से बच के रहो। जुआ मत खेलो, मदिरा मत पियो, हिंसक मत बनो, हिंसा मत करो, वैश्यागमन मत करो। इन चार कार्यों से बच के रहना चाहिए। जो मनुष्य ये चार कार्य करते हैं वो निश्चित कलयुग की पकड़ में आ जाते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता कलयुग की पकड़ में आने से। लोग कहते कलयुग हो आ गया है इसलिए ऐसा चल रहा है, नहीं मेरे भैया, तेरे कर्म बिगड़ गए हैं इसलिए कलयुग तेरे ऊपर आ गया है। कई लोग बड़े दाव से कहते, अरे हम क्या कर सकते हैं साहब, कलयुग ही ऐसा है। अरे तुम्हारा कर्म आज भी साधु संतों को कलयुग नहीं व्यापता, आज भी भजनानंदी जो घर है परिवार है उनको कलयुग नहीं सता सकता। क्यों? क्योंकि हमारे संतों ने कहा है, जिस घर में भागवत सुनी अथवा पढ़ी जाती है उस घर में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। अब भागवत का मतलब यह नहीं कि एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दियो फिर गाली देना शुरू कर दिया। भागवत सुनने का मतलब है सुनो, उतारो और कर्म में बदल डालो, इसको कहेंगे भागवत सुनना। आपने सुना, बुद्धि से निष्कर्ष किया, चित्त में बसा लिया, एक बार सुनने के बाद कभी भूले ही नहीं और कर्म में परिणित कर दिया उसे। महाराज ने कहा कभी कड़वा मत बोलो, आपने सुन लिया और जीवन में कभी नहीं बोला। मजाल कलयुग की कि तुम्हारे घर में आ जाए। महाराज ने कहा कृष्ण से प्रेम करो, करके देखो, मजाल कलयुग तुम्हारे घर में आ जाए। इसलिए मेरे प्यारे,
इन चार चीजों से बचो, ये विनाशक हैं, ये विनाश करने वाली हैं चारों चीजें, इनसे बचना चाहिए।